हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज आ गए मैं फिर से एक नेक्स्ट ब्लॉग लेके। तो आज की ब्लॉग है जिसमें बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो रेसिपी शेयर करूँगी, मीसो हॉल शेयर करूँगी, साथ में हैप्पी टीचर्स डे। तो आज टीचर्स डे को मैं हस्बैंड को कुछ गिफ्ट दिया है उनके स्टूडेंट ने, तो वो भी शेयर करूँगी। तो फिलहाल अभी मैं फ्रेश होके आ चुकी हूँ, यहाँ मेरा बेटा खेल रहा है। चलिए, तो आज थोड़ा सा मतलब मन भी थोड़ा सा उदास है क्योंकि मेरे बेटा का भी तबीयत ठीक नहीं है, उसका ग्रोइंग पेन हो रहा बोल के बेचारा थोड़ा दर्द में है, पैरों में ग्रोइंग पेन हो रहा था कि इस एज के बच्चे लोग का ग्रोइंग पेन होता है, तो इस वजह से बेचारा थोड़ा मतलब चल नहीं पा रहा था। तो बहुत परेशानी में थे, हमने सोचे ना डॉक्टर दिखाना पड़े, लेकिन आज फिलहाल थोड़ा बेटर है। कल बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था उसका, और बच्चे लोग को तो अगर खेल कूद ना करे तो अच्छा नहीं लगता, इनका तबीयत खराब हो तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो ये रहा, हेलो बोल दो, हेलो, और हैप्पी टीचर्स डे बोल दो, हैप्पी टीचर्स डे। तो चलिए, मैं आपके साथ फर्स्ट में ही चलिए, मैं जल्दी से मेरा मीशो हॉल जो मैंने क्या शॉपिंग किया आपके साथ शेयर करती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट मैं रेसिपी में जाऊँगी और साथ में मेरे हस्बैंड को क्या गिफ्ट मिला है वो भी दिखाती होती हूँ। चलिए, जो मीशो शॉपिंग मैंने की है तो हमेशा आपके साथ मैंने सब कुछ शेयर किया है, मेरा दुख सुख सब कुछ मैंने सोचा कि ना मैंने जो शॉपिंग किया है तो वो शेयर किया जाए। तो आज जो मैं शॉपिंग है, चलिए मैं दिखाती हूँ, होपफुली आपको पसंद आएगा। मैंने कैजुअल वियर लिया है क्योंकि हमें थोड़ा सा कैजुअल वियर भी कभी कभी लेना पड़ता है। तो ये रहा, तो मुझे बहुत पसंद आया था, ये 3-पीस सेट है कुर्ती का जिसमें सब कुछ दिया हुआ है, बटन वटन सब, तो मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए, तो इसमें जो देख रहे हैं तो ये है सलवार का, मैं दिखा रही हूँ, इसमें 3-पीस सेट है जिसे बोलते हैं। तो ये रहा एक ऊपर का कुर्ती, मैंने वाइट एंड ब्लू कॉम्बिनेशन में लिया है, मुझे अच्छा लगता है ये कैजुअल वेयर, हम लोग कभी शॉपिंग करने जाते हैं ये मार्केट में तो इसके लिए अच्छा है, तो ये मुझे बहुत पसंद आया। और इसी के साथ दिया है ये और एक फोर सेट है, यहाँ पे भी ये देखिए, ये और एक कुर्ती का पीस है, देखिए कितने सुंदर है, वाइट है, इसमें एक टेक्सचर है, शायद आपको क्लियर दिखेगा कि नहीं पता नहीं, एक इसमें एक बहुत सुंदर सा डिज़ाइन है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत पसंद है क्योंकि वाइट है, वाइट अगर कुर्ती बना लें तो बहुत सारे आउटफिट में जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये है दो, और ये रहा एक ब्लू, ये आई थिंक सलवार के लिए दिया है, बहुत ही अच्छा है प्लेन। और ये और एक है, इसमें भी चेक्स है, ये भी आई थिंक सलवार है, ऊपर का कुर्ती है ब्लैक में। तो आपके पास है ये, आप मिक्स एंड मैच करके बना सकते हैं। तो ये ब्लू पैंट दिया है, साथ में ये 3 कुर्ती दी है, मिक्स एंड मैच करके बना सकते हैं, या फिर तीनों को एक साथ करके फुल स्लीव करके मैच करके बना सकते हैं, फिर 2 को मैच करके बना सकते हैं आप ये, या फिर आप इसका कुर्ती बनाइए और ये स्लीव्स बनाइए, बहुत सुंदर लगेगा। तो आप जैसे ही बना सकते हैं, तो ये मुझे बहुत पसंद आया, 4-पीस सेट है इसमें, देख सकते हैं 4, 1, 2, 3, ये ब्लैक और ये 4। और इसमें साथ में दिया है ये दुपट्टा ब्लू एंड वाइट में, जो बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई, इनके साथ बहुत अच्छी जाएगी। और साथ में ये लटकन देख रहे हैं, और ये बटन्स ब्लू कलर के कुछ बटन्स दिए हैं इन कुर्ती में लगाने के लिए, ये इसी के साथ आए हैं, तो आप इसको भी अपने तरह से कस्टमाइज करके लगा सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा नॉइज़ है मेरे, तो उसके लिए सॉरी। तो बहुत सुंदर है ये डिज़ाइन, मुझे बहुत पसंद आई है, एक तो ये लटकन से बटन्स दिया हुआ है, साथ में 4-पीस सेट है, साथ में दुपट्टा, तो मुझे बहुत पसंद आया, होपफुली आपको ये मेरी कलेक्शन अच्छी लगी होगी। तो चलिए, अब चलती हूँ, मेरा टीचर्स डे में हस्बैंड को क्या गिफ्ट मिला है। मेरा हस्बैंड टीचर मतलब एक्चुअली वो जिम ट्रेनर है ना, तो वो उनके जो स्टूडेंट्स हैं जो जिम में एक्सरसाइज करते हैं जो लोग हैं उनके साथ, तो वो उनको सर मानते हैं, तो इसलिए वो हमेशा गिफ्ट देते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा गिफ्ट कम मिला है क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट नहीं आ पा रहे ड्यू टू कोविड के कारण में, तो जितना आ रहा है उतना जनों ने गिफ्ट दिया है। तो ये रहा फर्स्ट गिफ्ट, मैं दिखाती हूँ, ये है लेदर बैग, बहुत बहुत अच्छा है बैग थ्रू, ओ अच्छा, भीतर में और एक पर्स भी दिया है, तो मैं देखा ही नहीं था एक्चुअली।
मिलते ही मैंने आपको सोचा क्यों ना दिखा दूँ। तो इसमें ये चेन है और ये प्योर लेदर का है और ये स्लिंग बैग है, कहीं घूमने फिरने जाएंगे तो अच्छे से है। सर मैं भी यूज़ कर सकती हूँ, मुझे लगता है चल जाएगा लड़की लोग को भी, क्योंकि ब्लैक मेरा फेवरेट है, लेदर का भी है, लड़का क्या लड़की है सब बैग ही ले सकते हैं, है कि नहीं बताइए। तो मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पर भी चेन है, बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत ही कुछ अंदर में बहुत सारे पॉकेट्स हैं। और इसके साथ ये भी एक पर्स दिया है, देखिए कितना सुंदर है, दिखाती है आपको, चलिए ये रहा देखिए, इसको निकाल के फेंक देना होगा। ये भी बहुत सुंदर सी है और क्यूट पैकेजिंग में आई है। ये हस्बैंड को गिफ्ट मिला है और एक सोनपापड़ी का पैकेट भी मिला था जो हम लोग खा चुके हैं ऑलरेडी, रेजिस्ट नहीं हुआ। मैं उतना नहीं खाई हूँ, मेरी बेटी मेरे हस्बैंड खा चुके हैं। और ये रहा टी शर्ट, देखो हस्बैंड को कुछ मिला है टीचर्स डे में, बहुत ही सुंदर सा है, कलर बहुत प्रिटी है। और वो मेरे हस्बैंड ज़्यादा ब्राइट कलर नहीं पहनते तो उनके लिए बहुत अच्छा है, टीचर्स डे में जो भी मुझे अच्छा ही है ना। और जब बदमाश अच्छा ना यूर वेरी गुड था, और आज पढ़ने बैठोगे तो मेरे साथ हाँ बोलो, यस पैर का दर्द कम हुआ तुम्हारा, पैर का दर्द कम है, हेलो हाँ कम है, सुंदर वर्ष ना। तो ठीक है मेरे साथ भी वीडियो कर रहे हो, तो होपफुली आपको ये भी कलेक्शन अच्छा लगा होगा। तो चलिए मैंने मेरे शॉपिंग मीशो की दिखा दी है, साथ मेरे हस्बैंड को टीचर्स डे में क्या गिफ्ट मिला है वो भी दिखा दिए हूँ मैं। तो इसके बाद ही चलती हूँ मेरा रेसिपी की ओर, पोस्तो तरकारी, मतलब हम लोग जो होता है खसखस और ड्रम स्टिक्स की सब्जी है, ये वेजिटेरियन सब्जी है तो ये बहुत ही खाने में टेस्टी होती है, झटपट बन जाती है। ये ऑफिस टिफिन भी बोल सकते हैं कि अगर आपको हस्बैंड को राइस के साथ कुछ देना है तो झटपट से आप लोग ये आलू की और ड्रम स्टिक की सब्जी बना के दीजिए खसखस के साथ, बहुत ही टेस्टी है, यमी है और बहुत झटपट जल्दी से बन जाती है। होपफुली आपको रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी की ओर, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून खसखस लिया है और यहाँ पे 4 to 5 ग्रीन चिलीज लिए है जिसको मैं थोड़ा पानी से भिगोकर रखकर फिर मैं पीस लूँगी। और यहाँ पे 2 या 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है, सरसों के तेल में मैंने 4 आलू बड़े साइज के मैंने काट लिए थे ये क्यूब्स टाइप के, और उसमें 1 होल प्याज को भी क्यूब्स काट लिया मैंने, उसको मैंने देख के फिर मैं अच्छे से मैं फ्राई करूँगी रेड रेड कलर की तरह। अगर आप वेजिटेरियन में अगर प्याज नहीं खाते तो अब इसको स्किप कीजिए। यहाँ पर मैंने 4 बड़े साइज के मैंने ड्रम स्टिक को काट लिया है, इसको एक 2 इंच के करीब, देखिए इसको मैं अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। इसमें मैंने सॉल्ट टू टेस्ट मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून दिया है और साथ में 1 टीस्पून मैंने हल्दी दिया है यहाँ पर, इसको देखिए अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। उसके बाद ही मैं इसमें रेड चिल्ली थोड़ी सी दूँगी और तीखा के लिए, अगर आप नहीं तीखा खाते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये मेरी स्टाइल की जो मैं आलू पोस्तो और टाटा की सब्जी बनाती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बंगाली स्टाइल है ये। और फिर इसको मैं थोड़ा सा ढक के रख दूँगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी दूंगी जितना चाहिए मुझे, मैंने करीब 1 कप के करीब मैंने पानी लिया है क्योंकि सब्जी बॉईल होगी, तो इसको फिर से मैं ढक के रख दूंगी 5 मिनट के लिए। तो मेरी बॉईल आ चुकी है देख सकते हैं, तो ये होने वाली है। अब इसमें मैं खसखस की पेस्ट ऐड करूंगी, तो ये रहा 2 टेबलस्पून मैं खसखस इसमें डाल रही हूँ, मैं 2 to 3 टेबलस्पून में डालूंगी, देखिए अच्छे से मैं हिला लूंगी। फिर देखिए इसको थोड़ा सा मैं ढककर फिर से मैं इसको मिक्स करने के लिए बॉईल कर लूंगी। और इसमें मैंने 1/2 टीस्पून ग्रीन चिल्ली पेस्ट मैं इसको करके रखा था वो मैं ऐड कर रही हूँ वो तीखा के लिए। साथ में मैं थोड़ा सा और पानी दे रही हूँ क्योंकि आलू बॉयल करने के बाद ग्रेवी बहुत खींच लेती, गाढ़ा हो जाती है जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा शुगर देखिए बस हिला के बस ये इसी में मेरा हो जाएगा क्योंकि ठंडे होने के बाद गाढ़ी और हो जाएगी। तो बस इसमें थोड़ा सा मैं और
सरसों तेल दूंगी ऊपर से। एट द एंड ऑफ हम लोग सरसों तेल देने से एक अच्छा फ्लेवर आता है। तो मेरी जस्ट 5 मिनट बॉयल हो चुकी है और मैं 4 ग्रीन चिल्ली और दे दिया मैंने। बहुत अच्छा ग्रीन चिल्ली का टेस्ट आता है इसमें। इस रेसिपी में ग्रीन चिल्ली से ही बनती है पूरी। मैं थोड़ा सा रेड चिल्ली ऐड करती हूँ तो मुझे लगा कि और थोड़ा सा नमक चाहिए, तो इसलिए मैंने और थोड़ा सा नमक दिया है। बाकी तो फिर से मैं इसको एक बार चला लूँगी। ऐसे मेरा डन है, देख सकते हैं। तो इसके बाद थोड़ा सा सरसों तेल ऊपर मैं करीब 1/2 टीस्पून के करीब मैं दे के उसके बाद उतार लूँगी। तो होपफुली आपको मेरी रेसिपी आज की पसंद आई होगी। बहुत ही इजी एंड टेस्टी रेसिपी है। हस्बैंड को आप टिफिन में दीजिए, घर में लंच में बनाइए, खा के देखिए, बहुत ही अच्छी लगेगी। तो नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।